दुनिया में मौजूदा दौर स्टील्थ फाइटर जेट का है। दुनिया के करीब करीब सभी सुपर पावर्स ऐसा जेट बना चुके हैं। वे इसकी ताकत का नमूना भी दिखा रहे हैं। बीते दिनों लेबनान में हिजबुल्ला के सरगना नसरुल्ला की मौत में अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 की भूमिका सबसे अहम रही। इस लड़ाकू विमान से करीब 80 टन बम गिराए गए। इस कारण पताल लोक में छिपा बैठ नसरुल्ला और उसके कई कोर कमांडर्स भी मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक नसरुल्ला धरती की सतह से करीब 60 फीट नीचे बने बंकर में मौजूद था, लेकिन F-35 से इजरायली सेना ने इतनी भीषण बमबारी की कि पूरा इलाका ही पताल लोक में समा गया। खैर, हम आज इस घटना की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि दो मोर्चे पर खतरे का सामना कर रहा भारत इस बदलती दुनिया में भी फोर्थ जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर क्यों अटका हुआ है। भारत ने हाल के वर्षों में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। भारतीय सेना के पास रूसी सुखोई 30 MKI विमान है। ये दोनों भारतीय सेना के मुख्य हमलावर फाइटर जेट हैं, लेकिन ये दोनों 4 से 4.5 पीढ़ी के माने जाते हैं। भारत अभी अपनी नौसेना के लिए फ्रांस के साथ राफेल खरीद सौदा करने में लगा है। वहीं अब खबर है कि फ्रांसीसी कंपनी राफेल मल्टीरोल जेट की अगली पीढ़ी F-5 बना रही है, जो हवा में ही शाही बॉडीगार्ड से लैस होगा और ये भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। कैसे, इसी पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। शाही बॉडीगार्ड सुपर राफेल का वायु प्रवेश कांपेगा जिनपिंग का देश, हवा में ही शाही बॉडीगार्ड से लैस। अपने साथ लेकर चलेगा किलर ड्रोन। फ्रांस बना रहा राफेल F-5 फाइटर जेट। दुश्मनों पर कहर बरपाने में सक्षम अमेरिका की F-35 का बनेगा काल। दुश्मन देश का रडार भी होगा फेल। दुनिया में बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच फ्रांस राफेल फाइटर जेट का नया वर्जन तैयार कर रहा है। ये राफेल F-5 अपने साथ एक किलर ड्रोन लेकर चलेगा, जो उसके लिए बॉडीगार्ड का काम करेगा। फ्रांस परमाणु बम दागने के लिए राफेल फाइटर जेट पर ही भरोसा करता है। ये किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकाने पर कहर बरपाने में सक्षम है। फ्रांसीसी कंपनी चाहती है कि हवा में राफेल के साथ एक मानव रहित ड्रोन विमान भी उड़ान भरे और ये ड्रोन अगली पीढ़ी का फाइटर जेट F-5। फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल पूरी दुनिया में सफलता के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। भारत से लेकर कतर तक ने फ्रांस को जमकर ऑर्डर दिए हैं। इससे राफेल बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन की चांदी हो गई है। अब फ्रांसीसी कंपनी राफेल मल्टी रोल जेट की अगली पीढ़ी F-5 बना रही है, जो हवा में ही शाही बॉडीगार्ड से लैस होगा। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी चाहती है कि हवा में राफेल के साथ एक मानव रहित ड्रोन विमान भी उड़ान भरे। ये ड्रोन राफेल के पायलट के इशारे पर काम करेगा और दुश्मन को तबाह करने में मदद करेगा। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने राफेल के घर कहे जाने वाले सेंट डीजियर एयरबेस पर इस ड्रोन का ऐलान किया। ये ड्रोन पहले के न्यूरॉन यूके प्रोजेक्ट के आधार पर तैयार किया जाएगा। कई तरह की क्षमताओं से लैस, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरॉन यूकेप का ट्रायल के दौरान पायलट वाले लड़ाकू विमानों के साथ पहले इस्तेमाल किया जा रहा है। डसाल्ट कंपनी के सीईओ एरिक ट्रेम्पियर ने कहा, यह रडार की पकड़ में नहीं आने वाला लड़ाकू ड्रोन विमान साल 2033 तक फ्रांसीसी एयरफोर्स को तकनीकी और ऑपरेशनल बढ़त दिलाएगा। ये ड्रोन विमान कई तरह की क्षमताओं से लैस होगा और इसे शामिल किया जाएगा।
इस ड्रोन का अभी कोई नाम नहीं रखा गया है और ये राफेल का पूरक होगा। ये ड्रोन और राफेल दोनों मिलकर युद्ध के मैदान में काम करेंगे। आधुनिक युद्ध में अगर देखें तो एयर सुपीरियरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब पूरे एयरक्राफ्ट जो हैं जिस तरीके से दुश्मनी एरिया के ऊपर वहां पे पूरा नजर डाल रहे हैं, वहां से वो लोग मिसाइल गिरा रहे हैं, टारगेटेड और सटीक फायर कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस पर, उनके एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर, तो उससे जो है ग्राउंड का भी बैटल पूरा सपोर्ट हो जाता है और दुश्मन के जो पूरे कमांड नेटवर्क्स हैं, कमांड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट सिस्टम्स हैं, टैक्टिकल एरियाज हैं, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है बिना इंटरफियरेंस के। लेकिन जब असलियत में देखें तो ये सब चीज़ें पूरे पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। जिस तरीके से हम लोग अगर रशिया यूक्रेन वॉर को भी हम लोग कभी एग्जांपल देखें, जिस तरह से इसराइल में भी हम लोग जो पूरे सिचुएशन है वहाँ पे देखें, तो इन सब जगहों पर जो मिसाइल्स हैं, तो जैसे आयरन डोम सिस्टम का भी बात होता है, तो देखिए सब जगह हर देश के पास कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम उन लोग के पास तैनात है और एयर डिफेंस सिस्टम मोस्टली सब जगह एकदम एडवांस हो रखे हैं, AI एनेबल्ड भी रहते हैं, जिसके तहत जो भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट या ड्रोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अगर किसी के देश के एयर स्पेस में एंटर हो रहा है तो उसके एंटर होने के पहले ही ये जो रडार से पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कहां से आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, क्या ट्रेजेक्ट्री से आ रहा है और क्या लाइक्लीहुड है कि अगर मिसाइल है तो वो कहां पर गिरेगा और कौन से टारगेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं कर सकता है, और इस चीज को पूरा डेटा को देखकर मिसाइल्स यहां से लॉन्च किए जाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम से या एयरक्राफ्ट्स को भेजा जाता है कि ताकि इन सब चीजों को मार गिराया जाए। राफेल F-5 जेट का ड्रोन क्यों खास? इस UAV के अंदर ही एक आंतरिक पेलोड होगा। इस ड्रोन में ऑटोनॉमस कंट्रोल और राफेल का पायलट इसे आसानी से उड़ा सकेगा। डसॉल्ट ने बताया कि यह ड्रोन विमान कई गुणों से लैस होगा और भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखकर इसे आगे भी विकसित किया जा सकेगा। कंपनी ने इस किलर ड्रोन के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। बता दें कि फ्रांस एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और वह अब राफेल की मदद से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता रखता है। इससे पहले मिराज फाइटर परमाणु बम गिराने के लिए तैयार किया गया था। आसमान में आने वाले खतरों को करेगा दूर। रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में किलर ड्रोन परमाणु मिशन के दौरान आकाश में आने वाले खतरों को दूर करेगा और इसके बाद राफेल आराम से एटम बम गिरा सकेगा। राफेल का F-5 वर्जन नए ड्रोन के साथ साल 2060 तक फ्रांस वायुसेना में बना रह सकेगा। राफेल के F-5 वर्जन के लिए शुरुआती अध्ययन हो चुका है और साल 2026-27 में इसका पूरा विकास शुरू हो जाएगा। इससे आने वाले समय में ये राफेल नए ड्रोन के साथ उड़ान भर सकेगा। आने वाले दिनों में फ्रांस राफेल को ASN-4G से लैस करने जा रही है, जो फ्रांसीसी वायुसेना का स्टैंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन है। भारत को भी हो सकता है बड़ा फायदा। इस नए राफेल नए क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल और नई एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल लगाने की भी योजना है। राफेल F-5 संस्करण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मुख्य रूप से निशाना बनाएगा। नए राफेल को इस तरह से बनाया जाएगा कि वह दुश्मन की नजर में नहीं आए और अगर हमला हो तो बचाव भी कर सके। फ्रांस अगर ये नया राफेल बनाता है तो इससे भारत को भी बड़ा फायदा हो सकता है। 1200 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और इससे पहले भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल किया जा चुका है। भारत अब नौसेना के लिए भी राफेल खरीद रहा है। ऐसे में भविष्य में भारत को भी इस परमाणु बम गिराने वाले ड्रोन से लैस राफेल का ऑफर मिल सकता है। अब भारत को अगर हम लोग देखें, हम लोग के जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन हम इसे कहेंगे, जो हमारे पास राफेल है, मिराज है, सुखोई है। साथ ही साथ अभी दुनिया में अगर देखें तो जैसे F-35 है USA के पास, ये सब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रखे हैं। साथ ही साथ अब राफेल जो है अब अपना F-5 भी ला रहा है, जो एकदम एक एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन के निकल के आ रहा है। इसका अनाउंसमेंट भी हुआ हो गया है। 2026-27 में इसके पूरे डेवलपमेंट इसको किया जाएगा और 2030 तक इसको तैनात भी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसके साथ एक विंगमैन ड्रोन भी बनाया जा रहा है। वो ऐसा ड्रोन इसके साथ जो चलेगा, जो अनमैंड अनक्रूड एरियल व्हीकल रहेगा, ये जो एक मॉडर्न से मॉडर्न ड्रोन रहेगा जिसके अंदर पूरे टेक्नोलॉजी से लैस रहेगा और ये अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ही चलता रहेगा और उसको एक विंगमैन के तौर पे, एक बॉडीगार्ड के तौर पे उसके साथ काम करेगा और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो पायलट के पास खुद रहेगा।
तो जहां पे वो ऑगमेंट कर सकेगा और कॉम्प्लीमेंट कर रखेगा इसके जो लड़ाई की जो क्षमताएं हैं, इसके अंदर भी ढेर सारे वेपन्स पूरे लैस रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम लोग F-5 को भी देखें तो इसमें F-5 एयरक्राफ्ट में जो पूरे नए नए टेक्नोलॉजी से पूरा लैस रहेगा, एक ब्रिज बन रहा है, एक ब्रिज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है कि इसके बाद जो इनका फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट एयर सिस्टम्स का जो पूरे चल रहे हैं बातचीत यूरोप के अंदर FCAS, तो उस चीज का भी एयरक्राफ्ट अगला इसका जनरेशन बनाया जाएगा। भारत की सैन्य ताकत से पहले ही पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। अब समंदर का नया सिकंदर भी उन्हें थर थर कपाने आ रहा है। जी हां, भारत के बाहुबली लड़ाकू विमान राफेल के बाद अब समंदर के नए सिकंदर राफेल एम की बारी है। भारत को बहुत जल्द राफेल एम फाइटर जेट मिलने वाला है। राफेल जहां भारतीय वायुसेना की ताकत में 4 चांद लगा रहा है, वहीं राफेल एम जेट इंडियन नेवी की ताकत को और बूस्ट करेगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट यानी समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए डील अंतिम दौर में है। इसके पहले भारत ने अपने एयरफोर्स के लिए 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल जेट का सौदा किया था। ये सभी राफेल भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो चुके हैं। नौसेना को मिलने वाले फाइटर जेट भारत के 2 युद्धपोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इन मरीन राफेल जेट विमानों से समंदर में भारत की ताकत में काफी इजाफा होगा। राफेल मरीन की डील तय। अभी हाल ही में इस सौदों को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पेरिस दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट से मुलाकात की और यूरोप और पश्चिमी एशिया में जारी युद्धों पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही अजीत डोभाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। डोभाल के दौरे के दौरान फ्रांस के अधिकारियों के साथ राफेल मरीन और स्कॉर्पिन पनडुब्बियां खरीदने को लेकर बातचीत हुई थी। तमाम रिपोर्ट में दावे किए गए कि राफेल मरीन को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। अब बातचीत कीमत पर आ गई है। डिफेंस वेबसाइट ITRW.org वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने ये लड़ाकू विमान 2016 की कीमत पर ही देने की बात कही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस लड़ाकू विमान की कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन दावे किए गए हैं कि 2016 में भारत ने $101 मिलियन में एक विमान खरीदा था। उसी आधार पर 2024 में कीमत तय हो रही है। 101 मिलियन में हुआ था सौदा। इसमें कहा गया है कि 101 मिलियन की पुरानी कीमत और उस पर बीते 8 सालों की महंगाई दर जोड़ने के बाद ये कीमत करीब $161 मिलियन बैठती है। इस तरह भारत सरकार इन मरीन राफेल पर करीब $4.2 बिलियन की राशि खर्च करने जा रही है। ये एक बड़ा सैन्य सौदा है। इससे पहले भारत ने रूस से 2018 में $5.43 बिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके अंदर जो पूरे लेटेस्ट मिसाइल्स इसमें लैस रहेंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स जो लेटेस्ट वाले हैं सब इसमें रहेंगे। न्यूक्लियर एनेबल्ड इसमें पूरे सब पेलोड इसमें डाला जा सकता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इसकी जैमिंग मैकेनिज्म रहेंगे कि ये इसकी जो रेडार्स को ये जैम कर रखेगा और बस रेडार से जैम अपने एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द भी जो पूरे एरिया में जो इसके साथ जो पूरा स्क्वाड्रन चल रहा है उन सबको ये जैम करके उनको प्रोटेक्शन दे पाएगा। और जहां से वो रेडार रेज आ रहे हैं जो डिटेक्ट हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम से, उसको भी वो ट्रैक करके पिन पॉइंट करके एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी ये पूरा नष्ट कर सकता है। राफेल एम फाइटर जेट समुद्री क्षेत्र में हवाई हमले के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इसके मिलने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। इन राफेल एम फाइटर जेट की तैनाती INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर होगी। राफेल एम को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसका विंग फोल्डेबल है जबकि वायुसेना का राफेल नॉन फोल्डेबल है। इसका भी निर्माण दसॉल्ट एविएशन ने किया है। ये सिंगल सीटर फाइटर जेट होगा। इतना ही नहीं, ये समंदर की गहराई में भी हमला करने में सक्षम है और टोही मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। ये परमाणु हमलों को विफल करने में भी सक्षम है। राफेल एम जेट ये 15.30 मीटर लंबा, 10.90 मीटर चौड़ा, 5.30 मीटर ऊंचा है। इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम है। ये 9.5 टन तक का भारी भार उठा सकता है। राफेल एम विमान की स्पीड करीब 1389 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट है।
इसके अन्य खासियत की बात करें तो राफेल एम फाइटर जेट एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। वायुसेना वाले राफेल से तुलना करें तो ये कई मायनों में काफी अलग है। राफेल एम वाहक पोत आधारित संचालन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। इसमें ज्यादा प्रभावी लैंडिंग क्षमता, केटापल्ट या रैंप लॉन्च और खारे पानी के वातावरण में उड़ान भरना शामिल है। विमान वाहक पोतों पर तैनाती और युद्धाभ्यास की सुविधा के लिए राफेल मरीन में लैंडिंग गियर और एयरफ्रेम को अत्यधिक मजबूत बनाया गया है। इसके फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत हैं, जबकि वायुसेना को जो राफेल मिले हैं उनमें इन सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पारंपरिक रनवे से उड़ान भरते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर डेक पर जगह की कमी होती है, इसलिए जगह बचाने के लिए नौसैनिक लड़ाकू विमानों में फोल्डिंग विंग्स होते हैं। राफेल एम फाइटर जेट में भी यही सुविधा होगी, हालांकि ऐसी सुविधा वायुसेना वाले राफेल में नहीं मिलेगी। नेवी के लड़ाकू जेट अक्सर वायुसेना वाले जेट से हल्के होते हैं, इस तरह से राफेल एम भी वायुसेना वाले राफेल से हल्का होगा। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक से लैस राफेल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है। इसे 4.50 पीडी का जेट बताया जाता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। भारत की जरूरतों के हिसाब से इसमें काफी बदलाव किया गया है। राफेल एयर टू एयर, एंटी शिप ऑपरेशन और ग्राउंड तीनों तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। ये मरीन राफेल AISA रडार सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध तकनीक से लैस होंगे। ये इतने एडवांस जेट हैं कि ये दुश्मन के रडार और उसके डिफेंस सिस्टम को भी बेअसर साबित कर देंगे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने फ्रांस के साथ इस डील की तारीफ की है। नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल करमवीर सिंह का कहना है, इस राफेल लड़ाकू विमान का कोई मुकाबला नहीं है। एक अन्य जानकार भरत कर्नाट का कहना है कि इन मरीन राफेल की तैनाती से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। बल्गेरियन military.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में F-35 की वजह से द सॉल्ट एविएशन के हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट निकल गए। फिर कंपनी ने सुपर राफेल पर काम किया। अब वो सुपर जेट के जरिए दुनिया के बाजार में सीधे F-35 को टक्कर देने की योजना बना रही है। जाम हो जाएंगे दुश्मन के रडार। इस सुपर राफेल में दुश्मन देश के रडार को जाम करने, किसी भी हमले से खुद को बचाने जैसे फीचर्स हैं। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के सभी एयर डिफेंस का तोड़ निकालने की क्षमता रखते हैं। इसमें हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इससे दुश्मन के हर बेड़े को तोड़कर उसके इलाके में परमाणु बम गिराया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि सुपर राफेल केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है। नेवी वर्जन का देखें कि देखिए भारत ऑलरेडी, हम लोग के पास 36 राफेल ऑलरेडी है ही हमारे इंडियन एयरफोर्स में। अब नेवी के लिए भी जो हमारी एडवांस बातचीत उसमें पूरी चली रही है, और इसमें जो राफेल एम जो कि मरीन वर्जन इसका है वो भी आ रहा है। ये भी वर्ल्ड का एकदम लेटेस्ट आधुनिक मरीन वर्जन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, राफेल का ही है। डसॉल्ट कंपनी ने ही इसको बनाया है। और इसके जो खासियत रहेंगी, जो चीज़ें थोड़ी अलग है अगर हम उसको देखें अपने एयरफोर्स के राफेल से, क्योंकि इसके लिए नेवी के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है हमारे, INS विक्रमादित्य हुआ, MS विक्रांत हुआ, इस पर ये तैनात किए जाएंगे। तो इन पे जो लैंडिंग जब एक एयरक्राफ्ट करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बड़े अलग हो जाते हैं। उसको एयरफ्रेम उसका बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, उसके लैंडिंग गियर्स और लैंडिंग मैकेनिज्म उसका बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। एयरक्राफ्ट भी थोड़ा हल्का रहेगा और इसके विंग्स भी फोल्डेबल रहेंगे, ताकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो कम जगह रहता है स्टोरेज के लिए, तो उसमें भी वो पूरे जो एयरक्राफ्ट से उसमें आराम से आ जाए। भारत की अपनी कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कि राफेल तो फ्रांसीसी कंपनी है, इसको अपनी कैसे कहा जा सकता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में रूस के बाद फ्रांस दूसरा सुपर पावर है, जिसके साथ भारत की सैन्य साझेदारी बेहद मजबूत है। भारत ने बीते सालों में फ्रांस के साथ सैन्य साझेदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की कंपनियों को नजरअंदाज कर बीते सालों में दसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी बढ़ाई है। एयरफोर्स के लिए 36 जेट खरीदने के बाद भारत उसमें 26 मरीन एयरक्राफ्ट भी खरीदने की तैयारी में है। दसॉल्ट राफेल विमानों के मेंटेनेंस के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में ऐसी कंपनी को अपनी ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। राफेल से पहले भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में मिराज 2000 जेट पहले से मौजूद हैं। इसे भी दसॉल्ट ने डेवलप किया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन दिल्ली से लगे नोएडा में बड़ा प्लांट लगा रही है, जहां इन राफेल और मिराज 2000 विमानों का मेंटेनेंस किया जाएगा।
जो इसकी जो कैपेबिलिटीज रहेंगी, ये सी ऑपरेशंस के लिए पूरा इसका फोकस रहेगा, जिसके तहत इसके पास जो सी ऑपरेशंस लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पूरा ऑपरेट कर पाएगा, जिसकी वजह से भारत का एक जो स्ट्रेटेजिक रीच हम लोग का नेवी का और भी बढ़ जाएगा। हम लोग के एयर टू एयर मिसाइल्स इसमें रहेंगे ही, एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी रहेंगे, और साथ ही साथ समुंदर के अंदर जो सबमरीन्स हैं उन सबको भी टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक वैसे वाले मिसाइल्स भी इसमें लैस रहेंगे। न्यूक्लियर मिसाइल्स इसमें भी केपेबल ये सब एयरक्राफ्ट्स तो हैं ही। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो भारत की जो एक स्ट्रेटेजिक रीच से जो बढ़ जाती है, भारत की जो नेवी की एक जो किल वाला एरिया हो जाएगा, सुरक्षा जो हम लोग का पहुंचा सकते हैं, इससे भारत की डेप्थ हमारी बढ़ जाती है, जहां पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, जहां पे हम लोग सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये गेम चेंजर रहेगा। और भारत की रक्षा और सुरक्षा की अगर हम लोग इसमें देखें तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग का एक एक्विजिशन रहेगा राफेल का, जो अपना मरीन एयरक्राफ्ट वर्जन जो आएगा। दुनिया में इस वक्त पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बहुत चर्चा है। बीते दिनों इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर ऐसे ही लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश की थी, जिसमें उसके चीफ नसरल्ला और कई अन्य कमांडर मारे गए थे। इन लड़ाकू विमानों से ऐसे ऐसे बम गिराए गए जिससे कि जमीन में 60 फीट गहरी खाई बन गई। इन्हें स्टील्थ फाइटर जेट भी कहा जाता है, यानी इनको इंटरसेप्ट करना करीब करीब असंभव है। ये दुश्मन की रडार प्रणाली को आसानी से चकमा देकर उसकी सीमा में घुस जाते हैं और कहर बरपा कर लौट आते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।